गाइस, दिस इज प्रियम एंड वेलकम बैक ऑन टेक ब्रो। गाइज, वन प्लस के फोन्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसलिए आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए वन प्लस 8 स्मार्टफोन और एयर आईसी फ़ोन का बॉक्स, और आज हम करेंगे इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग। सो गाइज, हमारे पास है ये वन प्लस 8 स्मार्टफोन का बॉक्स, काफ़ी बड़ा बॉक्स है और यहाँ पर फ्रंट साइड में 8 लिखा हुआ मिल जाता है और लेफ्ट और राइट साइड में वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है और पीछे की साइड में कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं इसी फ़ोन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर यह है ग्लेशियल ग्रीन कलर में और ये है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, और यहाँ पर प्राइसिंग डिटेल्स मिल जाती हैं। इसमें प्राइस लिखा हुआ 41,999, एकदम करेक्ट प्राइस है। और करते हैं अब इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। तो यहाँ पर सबसे ही पहले हमें ऊपर रखा हुआ मिल जाता है हमारा ये वन प्लस का स्मार्टफोन, तो इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, इसको भी साइड में रख देते हैं। एंड यहाँ पर देखते हैं नीचे की तरफ क्या है। नीचे निकलता है ये एक सेक्शन और इस सेक्शन को खोल लेते हैं। सो इस सेक्शन के अंदर निकलती हैं ये सारी चीज़ें, जहाँ पर ये निकलता है रेड केबल क्लब कार्ड, जहाँ पर ये वन प्लस की रेड केबल क्लब का कार्ड है, और ये कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं और ये कुछ वन प्लस के स्टिकर्स मिल जाते हैं आपको, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, क्विक स्टार्ट गाइड, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी पूरी वीडियो देख लीजिए। और ये एक इनविटेशन लेटर मिल जाता है वन प्लस की तरफ से। खैर, इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और नीचे की साइड देखते हैं। यहाँ पर निकलता है ये एक सॉफ्ट केस वन प्लस 8 के लिए, एंड नीचे की साइड में देखते हैं तो ये सिम ट्रे इजेक्टर मिल जाता है हमें, एंड ये एक हमें USB A to C डेटा केबल मिल जाती है। एंड यहाँ पर रखा हुआ मिल जाता है हमें ये 30W का वन प्लस की तरफ से आने वाला वेब चार्ज 30T। तो गाइज, ये है हमारे पास में वन प्लस 8 स्मार्टफोन, और हटाते हैं इसकी सारी प्रोटेक्शन को और देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। तो यहाँ पर ये मिल जाता है हमें इसी ग्लेशियल ग्रीन कलर में, जहाँ पर इसके लुक बहुत ही अच्छे और शाइनी लग रही है मुझे। यहाँ पर सबसे पहले इस फ़ोन की बैक साइड के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, तो ये जो शाइनी लुक है ये मुझे बहुत अच्छी लगी और कलर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इसमें 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और एक LED फ्लैश लाइट, वन प्लस का लोगो और नीचे वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ पर इस साइड में देखते हो आप, पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है और ये हमें एक अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है, जो काफ़ी काम की चीज़ है। और ऊपर की साइड में हमें माइक्रोफोन मिल जाता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमें ये वॉल्यूम ब्रोकर्स मिल जाते हैं, और नीचे की साइड में हमें एक सिम ट्रे मिल जाती है, जहाँ पर आप डुअल सिम लगा सकते हो, डुअल नैनो सिम, एंड एक माइक्रोफोन मिल जाता है हमें, और एक मिल जाता है टाइप सी चार्जिंग जैक, और एक मिल जाता है स्पीकर ग्रिल। सो लेट्स चेक द स्पीकर क्वालिटी। अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो गाइज, अब देख लेते हैं इस फ़ोन के कुछ और फीचर्स। तो यहाँ पर हमें मिलती है ये एक 6.55 इंचेस की E3 कर्व फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले। जहाँ आप देख सकते हो ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छी और कर्व्ड डिस्प्ले है, और इसको चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। 90Hz का रिफ्रेश रेट है इसमें, और यहाँ पर इसमें प्रोसेसर मिल जाता है क्वालकम स्नैपड्रैगन 865, और इस फ़ोन को पूरा दिन चलाने के लिए हमें मिल जाती है 4300mAh की बैटरी, जिसके लिए हमें मिलता है एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 30W का वेब चार्ज 30T, जो इस फ़ोन को चार्ज कर देता है 50-60 मिनट में 0-100%। सो गाइस, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरा की, और यहाँ पर हमें बैक साइड में मिल जाता है 48MP का प्राइमरी कैमरा प्लस 16MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्लस 2MP का एक कैमरा डेप्थ सेंसर के लिए। और इसके कुछ कैमरा सैंपल्स हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे कैमरा सैंपल्स हैं जो मैंने अलग अलग मोड से क्लिक करे हैं। अल्ट्रा वाइड शॉट्स हैं, पोर्ट्रेट मोड में,
और आप इसमें वीडियो बना सकते हो 4K वीडियो, वो भी 60 FPS तक, जहाँ पर 30 सेकेंड की वीडियो अप्रोक्स बनेगी 500 MB की। और यहाँ पर इसमें कैमरा में बहुत सारी फीचर्स मिल जाते हैं, अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये पोर्ट्रेट मोड, नाइटस्केप मोड, प्रो मोड मिल जाता है एंड बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पर इस पंच होल में लगा हुआ मिल जाता है 16 MP का AI सेल्फी कैमरा। बात करें अगर यहाँ पर बायोमेट्रिक्स की, तो यहाँ पर इसमें इन बिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। और साथ में इसमें हमें मिल जाता है फेस लॉक, आप देख सकते हो फेस लॉक भी बहुत अच्छे से वर्क करता है इस फ़ोन का। और यहाँ पर ये फ़ोन मिल जाता है हमें एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड। एंड गाइज, अब लास्ट में बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। तो जो इसका सबसे पहला वेरिएंट है वो है 6GB 128GB का, जिसका प्राइस है 42,000 रुपीज़। और जो मिडिल वेरिएंट है वो है 8GB 128GB का, जिसका प्राइस है 47,000 रुपीज़। और जो टॉप एंड वेरिएंट है वो है 12GB 256GB का, जिसका प्राइस है 50,000 रुपीज़। सो गाइज, कैसा लगा ये फ़ोन कमेंट करके बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक।